हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्क देख लेना। एंड इससे पहले हमने हिंदी के विकास क्रम की जो कुछ चीजें याद रखी हैं उनको आपने ध्यान रखना है। हिंदी के जो प्रारंभिक चार जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं जिनका संबंध दो का फोर्ट विलियम कॉलेज से था और दो का नहीं था, मैंने आपको ये पूछा था कि आपने इनका क्रम खुद से याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो निश्चित क्रम क्या बताया था, सबसे पहले उन्होंने किसको रखा है इसमें, लाया किसी ने पढ़ सर सदा सुखलाल सदा सुखलाल नियाज पहले नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर कौन रहे, मुंशी इंशाल्लाह खां इंशाल्लाह खां। तीसरे नंबर हाँ पर जी लल्लू लाल और चौथे, चौथे में तो फिर सदल वही बच गए मिश्र आपके, हाँ जी सदल मिश्र। ये सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, यही आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर ऑथेंटिक किसी को माना जाता है तो वो आपका यही रहेगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। देखिए, जो सर कॉलेज के रिपीट बाहर करना के, सर एक्सक्यूज मी सर कॉलेज के जो, ये हाँ हाँ वही अच्छा मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है कॉलेज के जो बाहर के थे उनको पहले रखा सदा सुखलाल नियाज। ठीक है, दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह खां, तीसरे नंबर पर लल्लू लाल और चौथे नंबर पर सदल मिश्र। यहां से प्रश्न दूसरा बनेगा कि किन का संबंध जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा और किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, ये प्रश्न भी आपके लिए बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जी एक्चुअली मार्कविस वेल्जली। ये नाम आपको याद रखना है, देखना, मार्कविस वेल्जली मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बहुत बार पूछा जाता रहा है परीक्षा में। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी ये आपने ध्यान रखना है कि ये हुई थी 1800 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर था, ये कलकत्ता में रहा और कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही हिंदी के तौर पर विभाग स्थापित किया गया था सबसे पहले, है ना। और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट। इस चीज को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज आती है इसके बाद, फिर आपका एक और चीज इसमें आता है कि जो गिलक्राइस्ट है, गिलक्राइस्ट ने सबसे पहले किसकी नियुक्ति की थी हिंदी के तौर पर, भाषा मुंशी के तौर पर, तो पहले पहल यहाँ पर लल्लू लाल रहेगा, सदल मिश्र बाद में आएगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कॉलेज को कब गिराया गया था, ट्वेंटी फोर जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी नाइन 1854 सर 1854 नहीं सर 1854 1854 हाँ 1854। सरकारी ठीक है, ये चीज भी आज्ञा ध्यान पत्र के रखिए। अनुसार यस, हो सकता है ये भी आपको पूछा जाए, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहां पर कौन ऐसे हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे जिन्होंने नागरी लिपि को ज्यादा तवज्जो दी, बनस्पत आपकी हिंदुस्तानी शैली को छोड़ के। विलियम विलियम प्राइस विलियम प्राइस, प्राइस 1823 में विलियम प्राइस 1823 में नियुक्त हुए एंड उन्होंने हिंदी को क्या माना कि देवनागरी लिपि का उन्होंने ज्यादा विकास करने पर बल दिया था, लेकिन कोई ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हम देखते हैं कि उसके बाद नहीं हुआ हिंदी की विकास परंपरा में, ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हो सकता है इनके बारे में पूछा जाए। और जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट जो रहे उन्होंने कितनी शैलियां मानी, तीन शैलियां वो मानते थे जो प्रसिद्ध रही, उनमें से सबसे प्रमुख कौन थी जिसको वो सबसे अच्छा मानते थे, हिंदवी हिंदुस्तानी शैली हिंदवी शैली जिसको वो गवारों कहते थे हिंदुस्तानी हिंदवित्त को तो गुमारू कहते थे, सबसे अच्छी किसको मानते थे, दरबारी शैली हिंदुस्तानी दरबारी हिंदुस्तानी या फारसी शैली हिंदुस्तानी शैली को सर यस, हिंदुस्तानी शैली को वो क्या मानते थे, सबसे अच्छा मानते थे, क्यों, क्योंकि उसमें जो अरबी फारसीपन था, ठीक है, उसी के चलते वो मानते थे कि वो गुमारूपन कौन दूर करता है, अरबी फारसी के शब्द ही उसके जो गुमारूपन को दूर करते हैं। इनडायरेक्टली वो किसको कर रहे थे, मतलब आपका जो उर्दू मिश्रित जो भाषा रही है उसको उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही, लेकिन संपूर्णता जो हिंदवी रही उसकी उन्होंने अवहेलना कही गुमारूपन कहके। और यही चीज हम आगे एक्सक्यूज मी देखेंगे कि जो सर आपके राजा, ये हिंदुस्तानी शैली को सबसे अच्छी मानते थे गिल क्राइस्ट हाँ, ओके गिलक्राइस्ट का ही पूछा, गिलक्राइस्ट का जी ही जी पूछा था। एंड इनको क्या नाम दिया था, इसने नाम दिया था कुछ इसने इसको, दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान यस, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इसके बारे में आपको पूछा जाए।
तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुड इवनिंग रानी एंड कोई और भी जो जुड़े हैं, सबको गुड इवनिंग। जय लोग जो आए हैं, 51 हो गया स्कोर, चलिए ठीक है। बाकी 42 लोग अभी भी नहीं पहुंचे हैं क्लास में, है ना। तो अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर क्लासेस स्किप कर ली हैं तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, है ना। फिर टाटा बाय बाय, नमस्ते, फिर हमारा और आपका सफर इतना ही है ना। तो चलिए यहां तक इन चीजों को आप याद रख लीजिए। यहां पर जो विकास क्रम वाली बात है, ये आपको डेफिनेटली पूछी जा सकती है हिंदी की, ठीक है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा याद रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1800 में तो कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण हो गया था, लेकिन 1800 से लेकर के 1900 या यूं कहें कि आज तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं और घटी जिन्होंने हिंदी के विकास क्रम में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें से जो प्रमुख नाम थे वो आपने अभी तक देख लिए शायद फिलहाल, कि 1802-3 के आसपास की ये रचनाएं रही हैं, प्रेम सागर और जो सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यायन, है ना, और इंशाल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है, ये जो कुछ एक रचनाएं रही हैं इनको हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। इसके बाद अब आगे देखेंगे कि 1800 से लेकर के आधुनिक समय तक या आज तक जो भी आपके प्रमुख प्रमुख राइटर रहे हैं जिन्होंने हिंदी के विकास क्रम में अपनी कुछ एक चीजें कही हैं, या कौन कौन सी अभी ऐसी संस्थाएं रही, सभाएं रही, और कौन कौन से ऐसे समाचार पत्र रहे जिनसे हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली है, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ और चीजें हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास भाषा से रिलेटेड एक चीज बची है, वो है हिंदी भाषा और उसकी जो अपभ्रंश, उसके जो बोलियां एंड उपभाषाएं, ठीक है, इनको हम इसके बाद देखेंगे। पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उनके जो बोली क्षेत्र हैं, उनके जो नामकरण से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती है उसके बाद उनको देखेंगे, वहां से भी आपको डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। ये है यहाँ पर देखिए, 1800 के बाद हिंदी के विकास में अन्य लेखकों, संस्थाओं व समाचार पत्रों का योगदान। दिख रही है स्लाइड सबको या नहीं? यस सर दिख रही है। ओके, तो कर देते हैं स्टार्ट थम्स अप के साथ, है ना। तो ग्रीन सिग्नल दे दीजिए थम्स अप करके सारे लोग। नीलम डोगरा, गुड इवनिंग। जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो एंश्योर कर ले नेटवर्क। नीता, गुड इवनिंग। नीता देवी, नेटवर्क आई थिंक, मुझे लग रहा है रंजना मैम के पास हमेशा कम ही रहता है, है ना। एंड नमिता एंड शिखा मेहता, आप तीनों के पास मुझे नेटवर्क की भारी कमी लग रही है, दिन को यूज किया होगा ज्यादा फोन आपने, है ना। चलिए, बहुत सारे लोगों ने तो दे दिया है, ठेंगा दिखा दिया सबने, अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार करना अंगूठा दिखाना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखा है 1800 के बाद कचहरियों में हिंदी, मतलब सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं। ओहो, ये तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इसको, आज की स्लाइड थोड़ी अजीब सी आ गई है ना, लाल लाल, कुछ लाल लाल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पिंक पिंक, ऐसे पिंक लड़कियों का फेवरेट होता है। पढ़ा जा रहा सर, पर फिर भी पढ़ा जा रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। 1800 के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर कचहरियों की बात करेंगे हिंदी की, कि 1800 से लेकर के हमारे जो न्यायालय रहा उसमें कौन सी भाषा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। हालांकि सिंपल सा अगर आपको पूछा जाए कि कचहरियों में हिंदी को किसने प्रतिष्ठित किया था, तो इसके लिए तो आपको बस एक ही नाम याद रखना है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो आपको जानना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से डे बाई डे हम देख रहे हैं कि पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सा हार्ड किया जा रहा है, तो आपको इसके पहले की जो चीजें हैं ना कुछ एक, उनको जरूर याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है कि सन 1836 से पूर्व कचहरियों की जो भाषा रही वो क्या रही, आपकी फारसी रही है। यहाँ पर लिखा है, देखिए फारसी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो 1836 तक थी फारसी भाषा, एंड उसके बाद 1837 के बाद जो अदालतों में क्या हुआ, हिंदुस्तानी का प्रयोग होता रहा। अब जो हिंदुस्तानी कौन सी थी, देखिए वही हिंदुस्तानी जिसके बारे में हम अभी जो आपके गिलक्राइस्ट रहे उनके बारे में देख रहे थे इससे पहले, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, हो सकता है इसके बारे में भी कुछ चीजें आपको पूछी जाए कि फारसी में क्या क्या रहा। तो फारसी भाषा में आपके जो आपका फारसी नहीं सॉरी हिंदुस्तानी में अरबी और फारसी के शब्दों की बाहुलता रहती थी, और जिस भाषा में
अरबी और फारसी के शब्दों की बाहुलता रहती है, उस भाषा को क्या नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस भाषा में अरबी फारसी के ढेर हो, मतलब गिरा हुआ भी कहते हैं ना इसको, रेखता को, और ढेर से रिलेटेड भी आपको ये ध्यान रखना है ना। जो अरबी और फारसी के शब्दों से युक्त भाषा को हम रेखता भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी का जो प्रयोग होता रहा अदालतों में, जिसमें भी आपके अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता रही, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य रहा, उर्दू तात्पर्य माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1836 तक तो रही फारसी भाषा, लेकिन 1837 के बाद अदालतों में क्या कर दिया गया कि उसको हटाने का जो काम किया गया, मतलब एक कानून बना है, आई थिंक अब मुझे पूरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 1837 यहाँ पर लिख दिया गया है, आई थिंक इसमें कुछ नवंबर महीने में हुआ है ये कानून पास, कि उसके बाद जो फारसी भाषा थी उसको हटा के यहाँ पर आपकी जो हिंदुस्तानी शैली है उसको अपनाया गया, और हिंदुस्तानी का मतलब था उर्दू भाषा। तो मतलब आज भी हम देखते हैं, अगर हमारे न्यायालयों में या कोर्ट से रिलेटेड आपका किसी का भी कुछ काम पड़ा होगा, तो डेफिनेटली अगर किसी को समन सुमन वगैरह आया होगा, तो वहां पर आपको उर्दू के शब्द जरूर उसमें देखने को मिलते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि कोर्ट में जो है हिंदी जो रही है वो कैसी रही है, उर्दू मिश्रित हिंदी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो लाइन है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको प्रमुखता से याद रखना है। आप अपने एंड से थोड़ा सा इस स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, है ना, अगर करना चाहें तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जो आपकी ये हिंदुस्तानी रही, इसका इन्होंने विरोध किया, है ना। ये चाहते थे टोटल जो हमारी हिंदवी भाषा है, जिसको उस वक्त हिंदवी कहते थे, मतलब जो हिंदी थी, उसके पक्ष में ये थे बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और बाल मुकुंद गुप्त का हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और इनके एंड एक नाम और आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रचना थी हिंदी भाषा या व्याकरण के नाम से, इस तरीके की एक रचना थी, जिसमें इनके और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में अनस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद चला था, ये वाला अनस्थिरता, ठीक है, ऐसा भी था। हाँ, फिर जो आत्माराम की टेंट है भी लिखा था उन्होंने बाद में, ठीक है, वो बाद की बात है, उसको हम आगे देखेंगे जब हम आलोचना में जाएंगे। लेकिन हिंदी के विकास क्रम में इस शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है, क्यों, क्योंकि ये विवाद भले ही इन दोनों के बीच में रहा, लेकिन हिंदी की जो शुद्धता की बात आई वो यहां से, और इस शब्द ने और ज्यादा सुदृढ़ उसको किया है। तो ये चीज आपने जरूर याद रखना है, अनस्थिरता शब्द को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, बाल मुकुंद गुप्त एंड दूसरे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे, और इनके लिए एक तरीके से उलाहना देते हुए उन्होंने कहा था, एक जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, वो है बाल मुकुंद गुप्त, इस तरीके का एक कथन रहा है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त अपने तरीके से ये भी प्रयास कर रहे थे हिंदी को समृद्ध करने का, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी उस वक्त सर्वे सर्वा थे, हम सब लोग जानते हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, ठीक है। तो इसलिए आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड इन दोनों को याद रखना है हिंदी के विकास क्रम में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने। इन्होंने क्या कहा, जो हिंदुस्तानी शैली थी बाल मुकुंद गुप्त, ये कहते हैं कि इसका जो बेमुहावरा भाषा, इन्होंने कहा है बेमुहावरा, साहिबाना या फिर पादरियाना भाष्कर भाषा कहकर इसका विरोध किया है। तीन चीजें देखना, तीन शब्द आपको यहां से याद रखने पड़ेंगे कि ये किसने दिए हैं हिंदुस्तानी शैली के लिए, ठीक है। पहला शब्द है यहां पर बेमुहावरा, मतलब सही नहीं है भाई, साहिबाना साहिब लोगों की भाषा है, जो आपके अंग्रेज अधिकारी हैं, बस उनकी भाषा रही आपकी जो हिंदुस्तानी भाषा है। पादरियाना भाषा भी वही मतलब हुआ कि पादरियों की भाषा रही, अंग्रेजों की भाषा है भाई ये, जो किसको, उर्दू को ज्यादा समर्थन दे रहे थे। आगे आप देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां एंड जो गारसद तासी, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, जहां पर वो ये मानते हैं कि दोनों हमारी भाषा क्या है, सेम भाषा है, जो ईश्वर की भाषा, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों की भाषा, एंड दूसरा हमारा जो मुसलमानों की भाषा, वो मानते थे इसको, ठीक है, डिवाइडेशन करने की बात जो ये कहते थे, है ना। इसलिए इन्होंने कहा बाल मुकुंद गुप्त ने कि ये भाषा क्या है, बेमुहावरा है, साहिबाना है और पादरियाना है। यहाँ पर ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं, किसने कहा था, बाल मुकुंद गुप्त ने कहा है ना। तो ऐसा कहकर इन्होंने
इस हिंदुस्तानी शैली का विरोध किया है और ये चाहते थे कंप्लीट हिंदी भाषा अदालतों में, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है ये चीज आपको पूछी जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है बालमुकुंद गुप्त का। इसके बाद आता है आपका 1900 में पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। और पंडित मदन मोहन मालवीय रहे, इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा थी वो? शाबाश, बहुत प्रसिद्ध रही है। सभा या संस्था? शाबाश, पढ़ी तो होंगी आपने। हिंदी साहित्य सम्मेलन, सर क्या पूछूं? हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, प्रयाग में ही था ना ये, प्रयाग में हुआ था 1910 में, ठीक है। यस सर। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही साथ एक और आता है यहाँ पर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये किसने चलाया ये वाला? शाबाश, महात्मा गांधी। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हिंदी के संदर्भ में इनका योगदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, जो भी ये सभाएं और संस्थाएं और सम्मेलन वगैरह रहे हैं, चाहे आपका प्रगतिशील लेखक संघ क्यों ना हो, चाहे आपका कविता वर्धनी सभा क्यों ना हो, है ना, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह की प्रजा हितैषी क्यों ना हो, आपकी जो पत्रिकाएं रही उनका भी योगदान रहा है इसमें, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, हो सकता है इनके बारे में आपको चीजें पूछी जाए। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है कि कचहरियों में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का काम वैसे किसने किया, ये पूर्णता से सफल कौन हुए इसमें? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये याद रखना है। लेकिन आगे लिखा है, देखिए, शब्दावली उर्दू की ही रही, मतलब जो शब्द रहे वो उर्दू के ही रहे, लिपि भले ही यहाँ पर देवनागरी रही हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज भी न्यायालय में हम देखते हैं जो भी काम होता रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं कि उसकी जो शब्दावली है वो उर्दू की ही रही है। इतना तक क्लियर है सबको? यहां तक जो ये थी आपकी कोर्ट और न्यायालय की भाषा कि किसने इसको प्रतिष्ठित किया और इसके लिए प्रयास जो है बालमुकुंद गुप्त वगैरह ने किए हैं। एक और नाम आता है बालमुकुंद गुप्त के साथ, उनका नाम कुछ चक्रवर्ती करके है, वो मैं आपको बताता हूं उसका एग्जैक्ट नाम, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे काम का जो प्रमुख नाम था वो हमने यहाँ पर रख लिया, बालमुकुंद गुप्त का, जिन्होंने जो चीजें कही थी, ठीक है। पांड्यन पांडे में नहीं है, पांड्यन पांडे में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीजें आपको पांडे में मिल जाएगी, ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी, उसमें काम की चीज वैसे ये है, लेकिन ये चीज जरूर याद रखना यहाँ पर, है ना, ये चीज आपने। हाँ सर, ये लाइन एक बार दोबारा से समझाइए सर। बेमुहावरा साहिबान और पादरी भाषा कहकर विरोध किया है, तो मतलब किस भाषा का विरोध किया? यहाँ पे मेरा सिग्नल चला गया सर, ये वाली जो हिंदुस्तानी है। जी जी सर, समझ गया मैं, समझ गया मैं। इन्होंने इस भाषा का विरोध किया, हिंदुस्तानी भाषा का, ठीक है, क्योंकि इससे पहले अदालतों में क्या थी, सबसे पहले चल रही थी फारसी, कब तक? 1836 तक, है ना। 1837 में, नवंबर 1837 में एक कानून बना, नवंबर, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट क्या था, उसके बाद फारसी को जो है खत्म कर दिया गया और फिर जो आपकी प्रांतीय भाषा रही वहां पर जो हिंदुस्तानी थी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता रहा। हिंदुस्तानी का मतलब था अरबी और फारसी मिश्रित भाषा, ठीक है, और जिसको यहाँ पर नाम दिया गया उर्दू, मतलब कोर्ट की भाषा क्या होगी उसके बाद 1837 के पश्चात वो उर्दू हो गई, ठीक है, और हिंदी जो रही, जो हिंदवी थी उस वक्त की, वो कहीं ना कहीं साइड कर दी गई। लेकिन इस वक्त बालमुकुंद गुप्त वगैरह प्रयास करते रहे हिंदी के लिए, एंड इन्होंने जो आपकी ये हिंदुस्तानी रही, इसको इन्होंने कहा दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की ही भाषा रही है, है ना, जो यहाँ पर जो विदेशी भाषाएं हैं उनको चलाना चाह रहे हैं सिर्फ, है ना, अरबी और फारसी मिश्रित शब्दों वाली भाषा को, जिसको उर्दू कहा जाता है, हालांकि उर्दू जबान कोई बुरी जबान नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो जन सामान्य थी उनकी जो भाषा रही है वो हिंदी ही रही, इसलिए आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि इन्होंने इस भाषा का विरोध किया, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन लास्ट में पंडित मदन मोहन मालवीय इसमें सफल रहे और 1900 में जो न्यायालयों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई, नागरी प्रतिष्ठित हुई, लेकिन जो शब्दावली रही वो कैसी रही, वो फिर भी वैसे की वैसी ही रही उर्दू की, ठीक है। तो आप आज भी देखते हैं ताजी रातें हिंद जैसे शब्द उसमें मिलते रहते हैं ना आपको, तो ये जो है उर्दू के ही शब्द रहे हैं, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि शब्दावली उसमें उर्दू की रही है, लिपि क्या है वो नागरी की रही है, है ना। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 1800 के बाद आपके कोर्ट कचहरियों की जो भाषा रही ये थी हिंदी, मतलब हिंदी का बनी 1900 में, 36 से लेकर के 1900 तक इसका प्रयास चलता रहा।
चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। सर ये जो बाल मुकुंद गुप्त ने बोला ना, ये किस भाषा के लिए बोला? हिंदुस्तानी के लिए बोला? हाँ जी हाँ जी, हिंदुस्तानी के लिए। आज क्लास में ध्यान नहीं है क्या सबका? मैं दो बार बता दिया बात। नहीं सर, ये पता ही नहीं चल रहा कि किसके लिए बोले आप। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हो रही है सर। अच्छा, पहली बार सुन रहे ना सर इसके बारे में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हिंदुस्तानी जो शैली रही उसके लिए इन्होंने कहा कि ये क्या है, दूसरी भाषा है, साहिबाना है, पादरियाना है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यही चीज है, यहाँ पर आता है। उसके बाद फिर देखिए 1800 के बाद अलग तरीके से जो दो नाम आते हैं प्रमुख। यहाँ पर आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक चार आचार्यों के अलावा हिंदी के विकास क्रम में दो प्रमुख नाम हुए हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ये दो नाम आपको प्रमुखता से याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी हर बारी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो हिंदी के प्रारंभिक चार आचार्य आपको पता है कि कौन कौन से रहे हैं, है ना? उसके बारे में ध्यान रख लीजिए, ललू लाल से लेकर के आपका सजल मिश्र तक का, सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और उनके आधार ग्रंथ क्या क्या रहे हैं, जिन्होंने किसको आधार ग्रंथ मानकर कौन सी रचना लिखी गई है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आती है देखिए, इसके बाद 1823 के आसपास इसका जन्म माना जाता है, देखना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। एंड जो दूसरे हुए आपके राजा लक्ष्मण सिंह, ये लगभग 1826 या 28 के आसपास का इनका समय माना जाता है। एग्जैक्ट आपने देख लेना है कि क्या था। ठीक है, तो इन दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सबसे पहले जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रहे, इन्होंने हिंदी को किस हिंदी पर बल दिया? उर्दू मिश्रित हिंदी पर ये बल देते थे। ये जो ऊपर लाइन लिखी है ये इनसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये मैं अभी बताता हूं आपको, कि वे हिंदी के गंवारूपन को दूर करने के लिए इसे आवश्यक समझते थे। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि जो आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रहे, हालांकि मैंने शायद ये कल आपको बात बता दी थी कि इन्होंने उर्दू का पक्ष ज्यादा लिया। क्यों? क्योंकि ये जो फारसी था ना, जो फारसीपन था, जिसको हम हिंदुस्तानी शैली कह रहे थे। हम देखते हैं, जैसे मैंने अंग्रेजी का उदाहरण दिया था, आज के समय में कि हम अपनी हिंदी में इंग्लिश के कुछ एक वर्ड्स लाते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत ठीक है भाई, है ना? और ठीक यही चीज चाहते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कि अगर हम अपनी भाषा में उर्दू और फारसी या अरबी फारसी के शब्दों को मिश्रित कर देंगे तो हमारी हिंदी कहीं ना कहीं कैसी होगी, ज्यादा वो उसको समझते थे कि अच्छा होगा। और ये ज्यादा समझना ही क्या है, आम फहम और खास पसंद है। ठीक है, इसी भाषा का उपदेश इन्होंने दिया भी है, है ना, कि गंवारूपन कैसे दूर किया जा सकता है, उन शब्दों का प्रयोग करके दिया जा सकता है। इसलिए इसको आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश माना जाता है कि इन्होंने ही दिया है। और ये वाला प्रश्न आपको लास्ट टाइम पूछा गया था, इसलिए ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जिस तरीके के प्रश्न आजकल आ रहे हैं, आप देखेंगे पिछले साल का पेपर, इस बारी का लगभग 10-11 प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसे जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं बन सकते हैं दोबारा। इसलिए इसको याद रखना है, आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनको सितारे हिंद की उपाधि किसने दी थी? शाबाश, 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 डिंपल कह रहे हैं, अनुधिमान। यस सर, पंडित जगनमोहन कुछ ऐसा कुछ, जगनमोहन सर, भारतेंदु ने, भारतेंदु ने कैसे देनी? भारतेंदु तो बड़े लेट आए, फिर द्विवेदी जी ने, प्रसाद द्विवेदी थे ना उनके सर, ये तो अंग्रेज सरकार ने दी है इनको, अंग्रेज सरकार ने दी थी इनको, शिव प्रसाद सितारे, मतलब सितारे हिंद की उपाधि, हिंदुस्तान का सितारा कहा गया था इनको। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्विवेदी जी तो बड़े लेट हुए, द्विवेदी जी तो कब आए, 1864 में, कब था उनका जन्म? भारतेंदु को तो भारतेंदु की उपाधि भारतेंदु मंडल के कवियों ने दी, खासकर उसमें पंडित रघुनाथ का नाम आता है, शायद एक क्या नाम था उसका, उसने दी थी, इसी में पंडित, है ना, बोला कि वो एक रघुनाथ है। हाँ, तो ये सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी सर? हाँ, अंग्रेज सरकार ने जी।
ठीक है। और इसी के चलते देखिए अंग्रेज सरकार के उसमें ये प्रश्न भी ऐसे करके ही पूछा गया, देखना लास्ट टाइम का, कि अंग्रेज सरकार के समय उन्होंने जो है आपका आम फहम और खास पसंद भाषा का उद्देश्य राजाश्री प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था, मतलब जो अंग्रेज भी चाह रहे थे वो भी क्या चाहते थे कि हिंदी कैसी रहे यहाँ पर जो हिंदुस्तानी मिश्रित रहे। तभी तो जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट कैसी हिंदी के पक्षधर थे, वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे कि जिसमें अरबी और फारसी के शब्द हों, हिंदवी के पक्षधर वो नहीं थे। और यही चीज ये भी मानते थे कि ठीक है लिपि तो देवनागरी रहेगी हमारी, लेकिन ये कहते थे कि जो शब्दावली है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो कोर्ट की बात हम कर रहे थे वैसे ही शब्दों की ये बात कर रहे थे, इसलिए इसको आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से लेकर के, है ना, हिंदी के गुमारूपन को दूर करने के लिए जरूरी मानते थे। ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के गुमारूपन को दूर करने के लिए जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो किस प्रकार की हिंदी के पक्षधर रहे हैं, तो उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर रहे। ठीक है, आगे लिखते हैं कि सितारे हिंद ने स्कूलों में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए विद्यार्थियों के लिए गुटका संग्रह भी प्रकाशित किया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज भी, कि जो आपके स्कूल रहे वहां पर जो आपका हिंदी को प्रतिष्ठित करने का काम जो है वो किसने किया है, ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है ना। भारतेंदु का क्या मीनिंग है, रेखा मैम कह रहे हैं, तो भारत प्लस इंदु, इंदु क्या होता है, इंदु चांद होता है, भारतीय चांद हो गया, सिंपल सा है ना। वैसे भारतेंदु का मूल नाम क्या था, शाबाश, हरिश्चंद्र, हाँ हरिश्चंद्र, बाद में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई, और महज 35 ईयर जिए, ये देखना, और बावजूद उसके हिंदी साहित्य के उन्होंने बहुत सी अनमोल कृतियां दी हैं, बहुत ज्यादा निबंध लिखे, बहुत ज्यादा यात्रा वृतांत लिखे, है ना, और बहुत ज्यादा इनके नाटक रहे, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तो नाटकों से मिली इनको, और इनके काव्य संग्रह देखेंगे आप सबसे अधिक मिलते हैं, और उसमें भी अलग अलग शैलियां बनाई। ठीक है जी सर, हाँ जी सर, सर वो शिव कुमार बटाल सुने आपने ना, क्या हुआ, शिव कुमार बटालवी के बारे में सुना है आपने सर, सुना उनको आपने कभी, उनको तो नहीं सुना मैंने सर, क्या बात कर दी, आप जरूर सुनना सर उन्हें वो सर 36 ईयर के थे तब उनकी डेथ हो गई थी, पर इतने ज्यादा वो मतलब वो है ना सर, जरूर सुनना आप मेरे कहने से, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग और भी हुए हैं, मतलब अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें ना, इसका जिक्र हिंदी साहित्य में ज्यादा मिलता है, तब मैं कह रहा हूँ इसको, ठीक है सर, वो हिंदी साहित्य के नहीं थे, हाँ सर वो पंजाब के थे, मतलब फेमस राइटर कवि पोएट जैसे, पंजाब के तो फिर अवतार, क्या नाम उनका, अवतार सिंह सिद्धु, क्या नाम था जो पाश के नाम से लिखते थे, वो भी तो एक बड़ा नाम है वहां पर सर, आप ये जरा सुनना जरूर, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है चलिए ठीक है इसको देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा स्कूलों में किसने हिंदी को प्रतिष्ठित किया, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी जो कुछ अलग कृतियां आती हैं, अन्य कृतियां गुटका के अलावा, ये कौन कौन सी थी, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, और भूगोल हस्तामलक। इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं पूछी जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अलावा इनकी और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो यही रचनाएं हैं जो आज तक पूछी जाती रही हैं, तो इनको आपने थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है, बाकी इनसे रिलेटेड कोई चीज नहीं बनेंगी बस एक्स्ट्रा। हेलो सर, हाँ हाँ जी जी जी, ये आलसियों का कोड़ा है या आलसियों का कीड़ा है, कोड़ा 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 ही है, हाँ हाँ ओके ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए आप। वैसे कई बार आपको कई पुस्तकों में कीड़ा भी मिलेगा और पेपर में आपको कीड़ा कोड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको रखना है याद कि सितारे हिंद ने लिखी कुछ इस तरीके से रचना, लेकिन जो आपकी हिंदी का गद्य साहित्य वाली पुस्तक है, क्या नाम है उसका, तिवारी वाली, उसमें आपको ये कोड़ा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चार इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इसको याद रख लीजिए। फिर आता है 1800 बाद की हिंदी में दूसरा जो प्रमुख नाम आता है, ये राजा लक्ष्मण सिंह का नाम आता है। इन्होंने किस हिंदी पर बल दिया, संस्कृत निष्ठ हिंदी, और इनसे यही प्रश्न बनते हैं इन दोनों से, मतलब इनके जो इनसे रिलेटेड जो बड़े प्रश्न है ना वो यही दो हैं। एक ने किस हिंदी का, उर्दू मिश्रित हिंदी का
जो साथ दिया और आम फैम खास पसंद जो नाम दिया गया उसको, ठीक है। दूसरे जो रहे राजा लक्ष्मण सिंह, तो ये संस्कृत निष्ठ हिंदी, और संस्कृत निष्ठ हिंदी को कहते हैं हम देखना भाखा, ये शब्द आपने सुना होगा भाखा, ठीक है। और ये वाली पंक्ति किसने कही कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये बात किसने कही थी? इंशाल्लाह खान। इंशाल्लाह खान या सदा सुखलाल न्याज? सदा सुखलाल हो सकता है सर, हाँ शायद यही है। हाँ, इसको देखिए, ये सदा सुखलाल न्याज की पंक्ति है ना, इन्होंने जो लिखा था इसको कि भाखा का रस्म रिवाज दुनिया का भाखा से उठ गया। नेक्स्ट ये आगे है, देखिए कि इनका जो प्रमुख कथन था, हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, है ना। उर्दू का मतलब है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी भाषा, और दूसरा हिंदी जो मतलब हमारी सबकी सब भाषा, मतलब यही इनका मत था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछी जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट नाम है। दीपा कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपा? नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आगे इनकी प्रमुख कृतियां हैं, तीन ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों ये अनुवादित कृतियां मानी जाती हैं इनकी, है ना। तो इसमें सबसे जो प्रमुख है, मतलब ऐसी शकुंतला ही सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो ऊपर वाली बात कही है ना कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये इन्होंने रघुवंश की भूमिका में कहा है। रघुवंश जो तीसरे नंबर पर आती है 1878 की रचना, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने ये वाली बात कही है, तो इसको भी याद रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर उर्दू के कट्टर समर्थकों में नाम लिखा है, देखिए सर सैयद अहमद खान और गारसद तासी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों क्या है, जो आपके गारसद तासी थे ये सर सैयद माने जाते हैं, और सर सैयद अहमद खान जो है ये उर्दू के बहुत बड़े पक्षधर रहे, एंड साथ ही साथ गारसद तासी भी इन्हीं के समर्थकों में माने जाते हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इन्होंने क्या माना, प्रथम नहीं द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना 1839 से 1845 के बीच में, है ना 39। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उस दौरान कि आपका जो ये भाषा रही कौन सी, उर्दू के पक्षधर ये रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जाए, या 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि गारसद अतासी, और इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि भद्दी बोली क्या कर इन्होंने हिंदी की आलोचना की है, जबकि हिंदी के कट्टर समर्थक कौन रहे इस समय, नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फिलौरी। और श्रद्धाराम फिलौरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना कि ये हिंदी के सच्चे हितैषी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में ये वाली, ठीक है। श्रद्धाराम फिलौरी हिंदी के सच्चे हितैषी, और इन्होंने आपका पहला जो उपन्यास माना जाता है इनका भी देखिए, पहले उपन्यास की जब हम विवाद की बात करते हैं तो जो भाग्यवती उपन्यास 1877 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और भाग्यवती उपन्यास, इसको पहला उपन्यास किसने माना? शुक्ल ने तो वो क्या बोलते हैं परीक्षा गुरु को माना है, शुक्ल ने तो परीक्षा गुरु को माना। विजय शंकर मल नाम आता है एक, उसने माना है कि ये जो श्रद्धाराम फिलौरी का है। और कल शायद मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था कि जो दूसरा रानी केतकी की कहानी है उसको किसने माना कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है, शाबाश, शिव कुमार या शिव नारायण श्रीवास्तव, इस तरीके का नाम है एग्जैक्ट, अगर किसी को बताए तो वो बता दें, आगे श्रीवास्तव है पीछे शिव कुमार या शिव नारायण, इस तरीके का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो मानते थे इसको हिंदी का पहला, जो रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम था उदयभान चरित, ये नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। हो सकता है इसके बारे में भी आपको पूछा जाए, है ना, हिंदी के प्रथम उपन्यास के बारे में जरूर पूछा जाता है। और गोपाल राय, ये एक और इंपॉर्टेंट नाम है उपन्यासों के रिलेटेड, डॉक्टर गोपाल राय ने भी अपने महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, वो किसको मानते हैं हिंदी का पहला उपन्यास, देवरानी जेठानी, हाँ देवरानी जेठानी की कहानी। और कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1870 का जो देवरानी जेठानी की कहानी है वो हिंदी का पहला उपन्यास रहा है, ठीक है। लेकिन हम सर्वमान्य मत की बात करते हैं तो वहां पर आपका परीक्षा गुरु आ जाएगा पहला हिंदी का उपन्यास, जो अंग्रेजी रंग का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है। तो ये जो नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फिलौरी रहे, ये रहे हिंदी के कट्टर समर्थक, तो दो हो गए उर्दू के, दो हो गए हिंदी के, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये था आपका हिंदी का विकास लगभग 1850 के आसपास तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही थी इसमें, देखिए। एंड ये शरदराम फिलौरी थे, इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया है जो अभी एलटी टेट वालों को प्रश्न पूछा गया था कि ओम जय जगदीश हरे आरती जो हम गाते हैं आज भी घरों में, वो इन्होंने उसने इसकी रचना की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ओम जय जगदीश हरे आरती को इन्होंने सबसे पहले मतलब इसको इन्होंने लिखा। एक और चीज आती है जो आज भी हम बोलते रहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीर, कबीर थी, मन रहीम की नहीं, कबीर थी, रैदास की होगी, रैदास की, रैदास, रैदास, रैदास या मलुकदास, चलिए ये कंफ्यूजन है, रैदास या मलुकदास, इसको आपने ढूंढ के लाना है। बहुत अच्छी पंक्ति है ये भी, बहुत बार पूछी जाती रहती है ना, और मुझे तो रैदास लग रहा है, बाकी आपकी क्या है राय ये आप बता सकते हैं। और एक और भी तो आती है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, कौन सी वो, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता, है ना, ये तो दास मलुक। और दूसरी वाली पंक्ति किसकी है ये जरूर देखना है ना, जो मैंने पहले बताई, मन चंगा वाली, पक्का कंप्यूटर जी महाराज लॉक कर दिया जाए। देखिए आगे कहता है ये कि इसी दौरान 1874 में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। अब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जैसे ही आएगा आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपका जो भी प्रमुख जो आपके ये समाज रहे, देखिए चाहे आर्य समाज रहा क्योंकि इन्होंने उसी की स्थापना की थी ना, चाहे फिर आपका ब्रह्म समाज रहा, फिर आपका थियोसोफिकल सोसाइटी रहा, जो रामकृष्ण मिशन रहा, यहां से इनका भी योगदान माना जाता है कि हिंदी के विकास क्रम में इनका योगदान रहा है। तो ये आपको पांडियन पांडे वाली बुक में दिए गए हैं, जितने भी समाज रहे इन सब के बारे में देखिए। लेकिन प्रमुख था से दो जो समाज रहे, एक आपका आर्य समाज, दूसरा आपका ये ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। की स्थापना इसकी कब हुई थी स्थापना? राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? कहा जाता है उनको कुछ प्रथम प्रथम करके भारत का सर आधुनिक समाज सुधारक, प्रथम प्रकाश। चलिए इसको लाना आपने कि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको देखना है आपने, ठीक है। तो हाँ कुछ किया था उसको याद रखना। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये सर सत्यप्रथा का विरोध खत्म किया था सर इन्होंने, बंद किया था प्रतिबंध लगा था 1928 हां सॉरी 1829 इसको आपने कल क्लास से पहले बताना है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था वो कुछ अलग था, मैंने अभी बात की कि इनको कुछ उपाधि मिली है, एक उपाधि या इनको कहा जाता है कुछ, है ना, वो आपने कल बताना है मुझे। ये प्रथा प्रथा मुझे नहीं चाहिए, ये दूसरी पूछी जाएंगी आपको इतिहास में, है ना, हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ चीजें वो आपने देखनी है। तो इसी दौरान 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, मैं हमेशा दूसरी क्लास में भी यही चीज कह रहा था कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, एचपीयू वाले इसको बहुत ज्यादा पूछते हैं, एचपी वालों ने, मैंने एलटी ये इसका एग्जाम दिया अपना, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, एमफिल का एंट्रेंस दिया उसमें सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया, पीएचडी का एंट्रेंस दिया उसमें सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया, है ना। तो ये वाली रचना, खासकर एमए का भी एग्जाम इस बार जो था एमए एंट्रेंस का, उसमें भी सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया था। तो ये वाली रचना यहाँ पर अगर कभी एचपीयू का कोई पेपर देंगे पीएचडी या एमफिल एंट्रेंस, एमफिल तो चलिए अब बंद हो गई, तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ लेना कि किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस वाली रचना का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है हिंदी के विकास क्रम में। और इससे रिलेटेड आपको दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न ये बनता है कि इसकी रचना जो है किस कैसे की गई है, मतलब किस प्रकार की ये रचना मानी जाती है। तो ये गद्य में लिखी गई रचना थी, खड़ी बोली गद्य में, है ना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर गद्य शब्द मिस हो गया, इसको आप जरूर लिख दीजिए, खड़ी बोली गद्य की ये रचना मानी जाती है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, देखना। और जो बाद में आर्य समाज के अनुयायी रहे
ये हिंदी को क्या मानते थे, आर्य भाषा कहते थे। यहां से सिंपल सा याद रखना है कि आर्य समाज और आर्य भाषा, बस यही चीज आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो हिंदी के विकास क्रम में सत्याग्रह प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता रहा है। फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने भी हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया, और इस दिशा में भारतेंदु ने सन 1883 और 84 में हिंदी भाषा नामक पुस्तिका प्रकाशित की। और ये हिंदी भाषा नामक इनकी जो पुस्तिका रही है, ये कैसी रचना मानी जाती है इनकी? निबंधात्मक, ठीक है। इसका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, हिंदी भाषा किसकी रचना है, ये रही भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिसमें इन्होंने क्या किया, अपना हिंदी संबंधी जो मत इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। हालांकि और भी देखेंगे आप, हिंदी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी चीजें और भी कही हैं। इनकी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही एक उसूल, ठीक है। अंग्रेजी के भी साथ साथ ये कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के जतपी होत गुण प्रवीण, निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, कुछ इस तरीके की इनकी एक पंक्ति है, उसको भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी के विकास क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी योगदान जरूर रहा है, और हिंदी भाषा नामक पुस्तिका में इन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ देखिए अपने निबंध कालचक्र में भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली, और आपने देखा होगा बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कब कहा था, 1873। दो प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो तीसरा प्रश्न है ये है कालचक्र, है ना, इसकी भूमिका में ये कहते हैं कि हिंदी क्या है, नई चाल में ढली है, और कालचक्र इनका निबंध रहा है, लेकिन कुछ एक विद्वान इसको लेख कहते हैं। तो निबंध लेख लगभग एक ही चीज है, इसके बारे में हम जब निबंधों के बारे में देखेंगे वहां पर इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम हिंदी के विकास क्रम की बात कर रहे हैं, तो जो मेन मेन घटनाएं थी वही यहाँ पर रखी गई हैं। तो 1873 में इन्होंने क्या माना कि हिंदी जो थी वो नई चाल में ढली है। भारतेंदु की भाषा में इतनी परिमार्जितता नहीं थी, और यह कमी पूरी हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो आप देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रहे, इन्होंने हिंदी भाषा को तो अपनाया, लेकिन इस भाषा में कहीं ना कहीं वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती, जो एक पूरा एक परिपक्वता देखने को नहीं मिली भारतेंदु की भाषा में। और इस कमी को पूरा किसने किया, टोटली ये हमें मिलता है कहां पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी में। क्योंकि आप देखेंगे भारतेंदु युग में जो भाषा रही है वो रही आपकी संस्कृत, सॉरी ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी, ठीक है। खासकर ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं भी रची हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन द्विवेदी युग में क्या हुआ, यहाँ पर टोटली आपको क्या दिखा कि यहाँ पर शुद्ध और परिनिश्चित हिंदी का प्रयोग करने पर जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, इनका योगदान रहा है। जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी दिखेगा, वैसे ही सरस्वती पत्रिका आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। हालांकि पत्रिका के बारे में आगे हमने कुछ और चीजें रखी हैं, तो उनको वहां से देखेंगे। यहां पर इसको आपने थोड़ा चाहे देख लेना कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला 1903 में, फिर काशी से प्रकाशित होने वाली यह मासिक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, इसके रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी बनती हैं, तो इनको आपने देखना है। यहां पर जो पत्रात्मक हिंदी है 1800 के बाद, इसमें जो प्रमुख नाम है, देखिए इसमें इनको आप थोड़ा थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले जो प्रथम साप्ताहिक पत्र है, उदंत मार्तंड जुगल किशोर 1826, है ना, और ये 30 मई 1826 को था ना, और इसलिए 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है पहला दैनिक समाचार पत्र, तो ये समाचार सुधा वर्षन रहा है, जो 1854 में मतलब इसको इन्होंने संपादित किया था, प्रथम बार प्रकाशित हुआ मतलब 1854 में श्याम सुंदर दास के द्वारा। फिर जो प्रमुख चार आते हैं वैसे, ये आपको यहाँ से याद रखने, बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला, और इसी के विरोध में इन्होंने जो ये ज्ञानदायिनी पत्रिका निकाली नवीन चंद्र राय ने, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है इसके बारे में आपको पूछा जाए, है ना। क्यों, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद क्या कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन जो नवीन चंद्र राय थे, इनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये हिंदी के कट्टर समर्थक थे, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया बनारस अखबार का, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है बीच में सुधाकर, जो सुधाकर रहा देखिए पत्र, इसके तारा मोहन मित्र रहे, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कौन सी पत्र पत्रिकाएं और याद रखनी है, वो रखनी है आपने याद भारतेंदु मंडल की जो पंक्तियां आती, देखिए ये जो समय आता है ना भारतेंदु मंडल का आता है, इसके बाद का जो सारा का सारा समय रहे, जितने भी भारतेंदु मंडल के कवि रहे, उन्होंने अपनी अपनी कुछ ना कुछ पत्रिकाएं जरूर निकाली हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता रखना है, वहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, हाँ सुपर फास्ट तो होना पड़ेगा, 10 मिनट बचे हैं, तो आई थिंक ये चीजें आपने पढ़ी हैं,
तब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, समझ आ रही बात की नहीं, ज्यादा तेज हो गया क्या? देखिए ऐसे चलना पड़ेगा, अगर मार्च में पेपर हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मार्च में पेपर हो जाएगा तो फिर टफ हो जाएगा। सर साथी करते रहते हो हमें, मार्च में पेपर, मार्च में। हाँ हाँ तो आगाह तो करना पड़ेगा, कुछ लोग अभी नींद में सोए होंगे, अभी देखिए 49-50 पहुंच रहे हैं लेकिन 42 लोग अभी भी बाहर हैं, है ना, अगर वो इस बात को सुनेंगे तो थोड़ा सा शायद जाग जाएंगे, तो इसलिए अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी थी उसके अनुसार है भाई। सर फाइल में तो ऑब्जेक्शन लग गया सर, वापस चलेगी वो तो, वापस चलेगी, पर उसमें ये लिखा है कि वो ऑफलाइन नहीं होना था, ऑनलाइन होना था उसमें जो काम है, है ना। अच्छा, एंड उन्होंने बाद में ये भी बोला है उसमें कि पेपर हम फिर भी मार्च में ही करवाएंगे, करवाना भी पड़ेगा क्योंकि आगे एग्जाम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चलिए मार्च के बाद अप्रैल में चला जाए, मई में चला जाए, लेकिन इसके बाद क्या रहना पड़ेगा सबको। आवाज तो इसलिए नहीं आ रही है, शायद किसी ने अपने माइक ऑन रखे हैं सब लोगों ने तब करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका लिखा है, इसको भी याद रखिए, 1900 में इसका प्रकाश ये हुई थी सबसे पहली बारी आपके प्रकाशित, और संपादित किसने किया था इसको, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हम सब लोग जानते हैं, मतलब जो सॉरी प्रधान संपादक हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपके संपादक मंडल रहा है इसका, जो प्रथम संपादक मंडल रहा है ना, पहला नाम तो चिंतामणि घोष का ही आता है, तो ये आपने ध्यान रखना कि चिंतामणि घोष जो है प्रमुख संपादक रहे इसके, लेकिन सबसे पहले इसके जो संपादक रहे वो एक संपादक मंडल रहा है ना, जिसमें ये पांच नाम आपको प्रमुखता से याद रखने हैं, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, जो द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि रहे हैं वो वाले रत्नाकर, ठीक है। फिर आता है राधा कृष्ण दास, तो ये भारतेंदु मंडल के कवि रहे, एंड कार्तिक प्रसाद खत्री, ये चार पांच नाम आपको याद रखने हैं। सर चिंतामणि घोष चिंतामणि ही है जो हम पढ़ते आगे? नहीं नहीं नहीं, वो चिंतामणि नहीं, ये चिंतामणि घोष अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इनके बारे में आपने याद रखना है, कई बार आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम जो संपादक रहा, वैसे पहला संपादक कोई नहीं रहा है, मानते चिंतामणि घोष को है कि सबसे पहले इन्होंने इसको चलाया आपकी जो पत्रिका रही सरस्वती, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने आप पूरा का पूरा एक संपादक मंडल बिठाया अपने साथ, और ये जो भी चार पांच लोग रहे हैं इनको इसमें रखा है, तो ये चीजें आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। लास्ट जो यहाँ पर आता है इसके बाद, ये है आपकी हिंदी से रिलेटेड, हिंदी के विकास क्रम में जो प्रमुख सभाओं और संस्थाओं की बात मैं कह रहा था वो ये वाली आपको ध्यान रखनी है, ये आपको पांडियन पांडे की बुक में दी गई है सारी अच्छे से, इनके जो डेट्स हैं वो आप वहां से याद रख लेना, ठीक है, और ये आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए वही रखी है, जो आपके काम की नहीं थी वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कविता वर्धनी सभा, दूसरी है भाषा संवर्धनी सभा, दोनों का लगभग नाम सेम है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो इसलिए इनसे याद रखना कि कविता संवर्धनी सभा, एंड जो बाबू तोताराम रहे इनकी रही भाषा संवर्धनी सभा, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर नागरी प्रचारणी जो सभा रही है ना, नागरी प्रचारणी सभा, ये श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीन महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको आपको याद रखना है, राम श्याम शिव करके, ठीक है, राम श्याम शिव, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे या कौन से नहीं थे, है ना, तो यहाँ पर कई बार राम कुमार वर्मा नाम लिख दिया जाता है, शिव कुमार मिश्र नाम लिखा जाता है, तो वो आपने नहीं रखना है, आपने शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ये नाम याद रखने हैं, बाकी श्याम सुंदर दास तो सबको पता ही होता है कि श्याम सुंदर दास इसमें रहे हैं, ठीक है, आगे के दो नामों में कंफ्यूजन होती है तो वो आपने अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एंड दक्षिण भारत हिंदी प्रचार, इसकी सभा की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने, एंड जो प्रगतिशील लेखक संघ रहा प्रेमचंद, ये हम सब लोग जानते हैं, साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950, एंड हिंदी साहित्य परिषद पुरुषोत्तम दास टंडन, और ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन नामक का व्यक्ति रहा ये रहा हिंदी का प्रहरी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन, ओके रह जाएगा याद। तो yes, ये था पूरा का पूरा हिंदी के विकास क्रम वाली बात, कहने मतलब समझने वाली बात ये है,
यहां से आपको याद क्या रखना है कि भारतेंदु मंडल में हिंदी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हुई है, ठीक है, मतलब शुद्ध और परिमार्जित किसने किया, भारतेंदु ने, सॉरी द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और तब से लेकर के हिंदी में आप देखते हैं कि निरंतरता के साथ रचनाएं रची जाने लगी हैं, और आधुनिक समय में बिल्कुल हिंदी, खड़ी बोली जो हिंदी रही हमारी, उसी में ही रचनाएं रची जा रही हैं, और इस तरीके से हम हिंदी के विकास क्रम तक पहुंचते हैं जिसमें सब चीजों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे लेखक रहे हो चाहे आपके कोई दूसरे रहे हो, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, इतनी कुछ चीजें याद रह जाएंगी। यस सर, यस सर। यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन है, ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे हम दूसरी जो चीजें आती हैं उनको, ठीक है। हाँ हेलो, जी 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 सर, पहले वाले लेक्चर देखने हो तो हम कैसे देख सकते हैं सर? पहले लेक्चर रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना। कौन से सर? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे ठीक 9 बजे, नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ।